आवश्यकता है बच्चों की कहानियां लिखने वालों की। योग्यता, लिख सके कहानियां जो सुनाई जा सके नींद में जाना चाह रहे बच्चों को। बोलने वाले खरगोशों, बताशे देने वाली परियों की, लकड़ी और संगमरमर के पुल की लड़ाई की। कहानियां जिनमें अच्छा करने का इनाम तुरंत मिले और बुरा करने पर मिले सुधरने का मौका। कहानियां जिनमें हवा में उड़कर लड़े कुल्हाड़ियां, बिच्छू करे मदद काले पहाड़ पर रहने वाले राक्षस को हराने में। जिनमें हारे हुए राक्षसों के दिल भी बदल जाएंगे। और ये भी लिख देना, ऐसा सच में नहीं होता पर तुम चाहो तो हो जाएगा। युद्ध के मैदानों पर कद्दू फले, बूढ़ी औरतें पोले कद्दू में बैठकर घर के रास्ते नदी पार कराएं और डूबे भी नहीं। कहानियां जिनमें दुष्ट डायनों की झोपड़ी में बच्चे बंद ना हो, उसकी बकरी से दोस्ती कर मिठाइयां पाएं। जिन कहानियों में सबसे निर्धन बच्चे को उड़ने वाला जादू मिल जाए, जिन कहानियों में बेर के पेड़ के नीचे लीप दो तो चांदी बरस जाए, वो कहानियां रहने देना इस बार। चाहिए कहानियां जो दम उखड़ते बच्चों को सुनाई जा सके, परछाई से घबराते बच्चों को आग फेंकते ड्रैगन मिल जाए। उस कमीज की कहानी लिखो जिसमें हर बार हाथ डालने पर निकलती हो एक मिल्की बार, और ऐसी कमीज को किसी काक भगोड़े को पहना भी आना। उन्हें पढ़ाना कि सबसे बड़ी दुकानों में जाकर मजा नहीं आता, लेकिन दोस्त छूट जाए तो सब उदास हो जाता है। अगर डर हो कि वे इससे हो जाएंगे बोर, तो लिखना ये तुम्हारे लिए नहीं थी, ये उस बच्चे के लिए थी जिसने भिखारी का कटोरा बिस्कुट से भरा था और एक दिन में जवान हो गया था। जिन बच्चों ने बापों को सीमेंटों में जमा पाया, जिनकी माओं की लाशें नालों से निकली, या जिनके भाइयों के माथे का खून अंत तक नहीं सूखा था, उन बच्चों को सुनाने लायक कहानी चाहिए। जिन बच्चों को दमक से घबराहट होती, 12 साल के जो बच्चे अब भी बिस्तर गीला करते हों, उन्हें कहानी बताए कि शर्मिंदगी तो केवल बुरा इंसान बनने में है। जिन्हें हर रोज डर लगता हो कि उनकी बहन मर तो नहीं जाएगी, उन्हें बताना कि बंदर ने तीतर के पंख को तीर पे बांधकर छोड़ा था तो बाघ के सिर पर मधुमक्खी का छत्ता आ गिरा था। जो बच्चे बिस्तर के कोने की लकड़ी दांतों से घिसने के कारण पीटे गए, जिन्हें अंकल नमस्ते कहने में हकलाहट होती है, जिन्हें डर लगता है कि घर में रखा सिलेंडर फिर फट जाएगा, उन्हें मैं कौन सी कहानी सुना दूं आप बताएं। कुछ कहानियां उन बच्चों के लिए लिखी जाएं जो सबसे चिलबिल्ले निकले, बिही के पेड़ से गिरकर हाथ तुड़वा बैठे, दीवारें रंग डाली क्रेयॉन से, जिन बच्चों ने घर की हर वो चीज बर्बाद कर दी जो बिजली से चलती थी, और अपनी साइकिल भिड़ाकर तोड़ दिया किसी का सिर। उन बच्चों को सुना सकेंगे हम रजाई में बनने वाले बादल और चोटी बढ़ने से परेशान सूरज की कहानी। एक कहानी वो हो जो बताए हर चीज मेहनत से नहीं मिलती, कई दफा यूं ही मिल जाती है। एक कहानी वो जिसमें घी लगाकर भागा चोर कभी पकड़ा ना जाए। एक कहानी और लिखनी होगी जिसमें पाला हुआ तोता भागे और कभी लौट कर ना आए। कुत्तों के घूमने और खेतों के सड़ने की कहानी तो तस्वीरों में दिखाई जाए। जिन लड़कियों को ढीले बिस्तर की शिकायत नहीं करने दी गई, जिनके बालों के मुड़ने पर मजाक बनाया गया, जो घर की बनी मिठाई चुरा कर खाने की हकदार नहीं हुई, या जिन्होंने पौ फटते ही मांझ डाले घर भर के सब बर्तन, उनके लिए बदले वाली कहानियां मत लिखिएगा। न वो कहानी जिसमें उधार के जूते या चांद से गिरे पत्थर से किस्मत बदल जाती है, उनके लिए सबसे पढ़ाकू लड़कियों की कहानियां भी मत लिखने लगना, क्योंकि जिंदगी आसान नहीं होती, सब एक दिन में ठीक नहीं होता, और कहानियां जिंदगी बदलने के लिए नहीं होती। हाँ, वो आम की सेना, दूध पीते भालू या जल संकट वाले रामवन की कहानियां पढ़ना चाहें तो उन्हें टोकना नहीं।